अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। अचार गोश्त की रेसिपी, आज हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो इसलिए मैं सोचा चलो अचार गोश्त बनाते हैं और आपके साथ शेयर भी करती हूँ मैं रेसिपी अपनी। ये हम मैं आधा किलो से ज़्यादा चिकन ले रही हूँ, समझे, 3 पाव है, 3 पाव चिकन है मेरा। और ये तेल ले लिया हमने, इसके अंदर हम डालेंगे चॉप लहसुन, थोड़े से ब्राउन से हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बीच में मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, मेरी छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब अल्लाह का शुक्र है कल से बहुत बेहतर है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरी वीडियो को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सबसे पहले ये देखें, लहसुन हो रहा है ब्राउन। गेस्ट आएंगे हमारे शाम में और अभी तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे। इसके अंदर डालेंगे चिकन, चिकन डालते ही पटाखे फटना शुरू। और इसके अंदर डालेंगे अचार गोश्त मसाला, ये होममेड है, मेरी वालदा ने बनाया था, वहाँ से लेकर आई थी। ये तकरीबन 6 चम्मच है मसाले के, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने 2 चम्मच शान मसाला लिया है अचार गोश्त का, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से भुनाई करके। इसके अंदर अब हम डालेंगे टमाटर, पीस के रखे थे तकरीबन, मैंने 6 से 7 टमाटर मैंने पीस के रख दिए थे, अब हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे। ये दही डालेंगे, फिर दोनों चीज़ें पानी छोड़ेंगे। पहले तो हम इसके पानी को देख लेते कितना छोड़ रहा है, इसको पहले हम भूनते हैं हल्का सा, फिर बाद में हम दही डालेंगे जब भुनाई हो जाएगी। ये देखिए
जब भुनाई हो जाएगी तब हम इसके अंदर डालेंगे दही। अभी तो दही भी, ये टमाटर भी पानी छोड़ेगा, फिर दही डालेंगे, दही के बाद थोड़ी सी भुनाई करेंगे, फिर उसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया।